हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवानीज किचन। आज हम स्किन वाइटनिंग कॉफ़ी सोप बनाएंगे। ये सोप हमारी ड्राई स्किन को मॉइस्चराइज करती है। ये हमारी स्किन पर से सारे एक्ने स्कार्स, डार्क स्पॉट्स, सनटैन और पिगमेंटेशन को रिड्यूस करती है। प्लस इसके रेगुलर यूज से हमारी स्किन बहुत ही फेयर और ग्लोइंग हो जाती है। तो आइए स्किन वाइटनिंग कॉफ़ी सोप बनाना शुरू करते हैं। स्किन वाइटनिंग कॉफ़ी सोप बनाने के लिए मैंने एक बाउल में ये 2 चम्मच कॉफ़ी पाउडर ले लिया है। कॉफ़ी हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करती है, ये हमारी स्किन को एक्ने और पिंपल्स होने से बचाती है। साथ ही इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, इसलिए ये हमारी फाइन लाइंस और रिंकल्स को रिड्यूस करने में भी बहुत हेल्प करती है। तो अब हम इसमें ये 1 चम्मच एलोवेरा जेल ऐड करेंगे। एलोवेरा जेल में कूलिंग और सूदिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये हमारी सन डैमेज स्किन को रिपेयर करता है और साथ ही स्किन को बहुत ही सॉफ्ट और सपल भी बनाता है। नेक्स्ट अब हम इसमें 1 चम्मच ऑलिव ऑयल ऐड करेंगे। ऑलिव ऑयल हमारी स्किन को डीप मॉइस्चराइज करता है और साथ ही स्किन को बहुत ही रेडिएंट बनाता है। नेक्स्ट अब हम इसमें 1 विटामिन ऑयल का कैप्सूल ऐड करेंगे। विटामिन ई ऑयल हमारी स्किन पर ग्लो लाता है, प्लस इसके रेगुलर यूज से हमारे डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम भी एकदम दूर हो जाती है। और अब हम लास्ट में इसमें ये 5-6 ड्रॉप एसेंशियल ऑयल के ऐड करेंगे। असेंशियल ऑयल में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये हमारी स्किन को किसी भी तरीके के इन्फेक्शन होने से बचाता है। तो ये मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं, तो अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और आप देखिए हमारा एकदम स्मूथ मिक्सचर बनकर रेडी हो चुका है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। नेक्स्ट मैंने 60 ग्राम के करीब ग्लिसरीन सोप बेस ले लिया है। ये आपको मार्केट में बहुत ही इजीली मिल जाएगा, या फिर आप चाहें तो इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, और इसे परचेज करने का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अब हम इसे इस तरह छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे ताकि हमारी जो सोप बेस है वो ईजिली मेल्ट हो जाए, या फिर आप चाहें तो इसे ग्रेट भी कर सकते हैं, उससे भी ये सोप बहुत ईजिली मेल्ट हो जाती है। तो यहाँ आप देखिए मैंने सोप बेस को इस तरह छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। इसके बाद मैंने सोप को सेट करने के लिए सिलिकॉन का सोप मोल्ड लिया है। ये भी आपको ऑनलाइन बहुत इजीली मिल जाएगा, और इसे परचेज करने का लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अब हम एक भगोने में पानी लेंगे, गैस की फ्लेम ऑन करेंगे और पानी में एक उबाल आने देंगे। जैसे ही पानी में उबाल आएगा हम इसमें इस तरह एक पैन रखेंगे और इसमें ये कट करा हुआ सोप बेस डालेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम हाई रखेंगे और इसे चम्मच से इस तरह चलाते हुए मेल्ट करेंगे। तो यह सोप बेस को मेल्ट करने के लिए मैं डबल बॉयलर मेथड का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे 30 सेकेंड्स माइक्रोवेव में रखकर भी मेल्ट कर सकते हैं, पर ध्यान रखेंगे कि हमें इसे डेड गैस पर मेल्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। तो यहाँ आप देखिए हमारी सोप बेस अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो अब हम इसमें कॉफ़ी का मिक्सचर ऐड करेंगे और इसे भी सोप बेस में अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यह मिक्सचर डालने के बाद हमें इसे बहुत ज़्यादा देर तक नहीं चलाना है, हमें इसे जस्ट मिक्स करना है। तो ये मैंने दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। हमारा सोप का मिक्सचर बनकर एकदम रेडी हो चुका है। तो बस अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे तुरंत ही सोप मोल्ड में ट्रांसफर करेंगे। इस स्टेप को थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि सोप बहुत जल्दी सेट होने लगती है। तो अब हम इस तरह कोई भी डिओड्रेंट ले लेंगे और इसे सोप के ऊपर इस तरह स्प्रे करेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह रबिंग एल्कोहल को भी स्प्रे कर सकते हैं। इसे स्प्रे करने से हमारी सोप के ऊपर जो भी बबल्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं और हमारी सोप एकदम स्मूथ बनती है। तो अब हम इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि हमारी सोप अच्छे से सेट हो जाए। तो यह लगभग 1 घंटा हो चुका है और हमारी सोप भी अच्छे से सेट हो चुकी है। तो अब हम इसे इस तरह डिमोल्ड करेंगे। तो यहाँ आप देखिए हमारी सोप कितनी स्मूथ बनी है और कितनी ईजिली बाहर निकल आई है। ये सोप हमारी ड्राई स्किन को मॉइस्चराइज करती है, ये हमारे एक्ने स्कार्स, डार्क स्पॉट्स, सनटैन और पिगमेंटेशन को रिड्यूस करती है। प्लस इसके रेगुलर यूज से हमारा स्किन कॉम्प्लेक्शन बहुत ही फेयर और हमारी स्किन बहुत ही ग्लोइंग हो जाती है। तो आप भी सोप को एक बार ज़रूर बनाइएगा और इसका रेगुलर यूज़ कीजिएगा, क्योंकि तभी आपको पता लगेगा कि ये कितनी इफेक्टिव है। तो आप भी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।